हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान से हमारा थर्ड पार्ट है। यहां पे 70 क्वेश्चन तक हम कवर किए थे, आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है। तो यहां से हम जो भारत के संविधान से जितने भी करंट आपके करंट में पूछे जा रहे क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर में जो आपके पूछे गए क्वेश्चन, इन्हीं को यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान से है हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी वीडियो को अगर नहीं देखे हों तो जाके देख सकते हैं, वीडियो डल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है किसके माध्यम से देता है? तो दलीलों के माध्यम पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, या सबूतों के आधार पर, या पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबूतों के आधार पर हमारे न्यायाधीश जो होते हैं जो कि मुकदमे पर निर्णय देते हैं सबूतों के आधार पर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को कौन करता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, तो भारत में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? तो आपके आपका गोलकनाथ प्रकरण 1967, प्रीवी पर्स प्रकरण 1970 में, या केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में, और डी है आपके मिनर्वा मिल्स प्रकरण 1980 में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवानंद भारती प्रकरण 1973 में। इस प्रकरण के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केशवानंद भारती प्रकरण 1973 कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम जो सम्मानजनक नीति होगी, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना होगा। तो आदिवासी विषय परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? तो आपको उन्हें आपके संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ये तो क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन से श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, या अति पिछड़ी पिछड़ी जातियां को, या डी है अनुसूचित जनजातियां। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुसूचित जनजातियाँ। ये आपके वन अधिकार कानून 2006 जिसमें अपने शीर्षक में यह श्रेणी को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा आपका लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। महिलाएं अब जिम्मेवार वाहन चालक होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें जो आपका महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती है, इसमें से जो लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वाला कथन बी आवला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है? तो आपका कक्षा विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन और आपका पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, या भी है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भ को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, या सी है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, डी कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर, या सही इसका विकल्प विकल्प यहाँ पे विकल्प चयन कर। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। ए बी और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता प्रोत्साहित किया जाता है, तो इसका ए और बी और सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खाली स्थान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी, तो कार्यस्थलों पर, वैवाहिक संबंधों में, या सड़कों पर, या गाड़ियों में? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, कार्यस्थलों पर। तो 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को आपके कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए, जो कि यह आपका निर्देश की रचना महिलाओं को आपके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की गई थी, इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन। अपरिचितता
के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। तो आपका शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जाति तो अस्पृश्यता के माध्यम से आपके जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, आपके वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो आपका अस्पृश्यता जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, तो इसका सी जाति सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो सिर्फ लड़कियों को कक्षा का बोर्ड सजाने के लिए कहा जाता है। बी है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। सी है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए लड़कों एवं लड़कियों को अलग अलग पंक्तियों में बिठाना चाहिए। और डी है, सिर्फ लड़कों को फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। इसमें जो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो आपका बी नहीं है, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों और लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो, इसमें उदाहरण इसका रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है, बाकी ए सी और डी इसका आपके जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित किस मौलिक अधिकार को उल्लंघन किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, समानता का अधिकार। तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण यहाँ पे से समानता का अधिकार, इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। एग्जाम में कई बार एग्जाम यहाँ से पूछा गया है अस्पृश्यता, तो याद रखिएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। तो 48, 84, 47, 74, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 84, 84। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, तो याद रखिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जातियों के लिए, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा 84। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। तो पुत्री पुत्रियों, पुत्र पुत्र तथा भाई भाइयों को, या पत्नी पुत्री पुत्रियों तथा बहन बहनों को, या पुत्री पत्नी पुत्र फिर पुत्रों तथा पुत्री और आपके पुत्रियों को, तो इसका डी है आपका, पत्नी पुत्र पुत्र तथा भाई भाइयों को, और आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में जो समान अधिकार प्रदान करता है, इसमें पत्नी फिर आपका पुत्र उसके पुत्रों तथा पुत्री और पुत्रियों को यहाँ पे समान अधिकार प्रदान करता है। तो यह अधिनियम 2005 में मृतक पिता की संपत्ति के समान अधिकार पर यह डिपेंड करता है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले विद्यार्थी किस प्रकार के कक्षा में अन्य को साथ सीखते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समावेशी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है। तो अनुच्छेद 370 का, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद आपका 25, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतीय संविधान की आपके जो अनुच्छेद 15, तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 15, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में अनुच्छेद का इसका उल्लंघन हो रहा है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सभी आपके सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह एक किसका विचार था, तो यह विचार आपके बी आर अंबेडकर जी का यह विचार था कि सभी भारतीयों को मतदान करने का अधिकार होना चाहिए तथा उनका सामाजिक जो आर्थिक स्तर कुछ भी हो, सबको आपको सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार समान होना चाहिए, आपका यह कथन है, विचार आपके बी आर अंबेडकर द्वारा दिया गया, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए कानून बने। निम्नलिखित जो कि प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षित करने के 2006 में कानून बना, तो यहाँ आपके घरेलू हिंसा के 2006 में यह कानून बना था महिलाओं को संरक्षित करने के लिए, तो याद रखिएगा घरेलू हिंसा के लिए यह कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियों के एक संघ जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है। तो आपके यहाँ आपके मध्य प्रदेश में, जो कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समिति के एक संघ जो जंगलों में स्थापित निवासियों के अधिकारियों के लिए लड़ रहा है, किस राज्य में है। तो आपके यहाँ मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। तो याद रखिएगा जो छोटा नागपुर है
तो भारत में मुंडा जनजाति आपके छोटा नागपुर क्षेत्र में यहाँ निवास करती है मुंडा जनजाति, तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन छोटा नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है, तो जाति, लिंग, गरीबी, धर्म, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गरीबी। तो भारत में जो असमानता का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में गरीबी से, जो कि भारत में असमानता का मुख्य कारण आपका गरीबी है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो आपकी गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण यहाँ पे स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे RTE कहते हैं, तो 1986 में निम्नलिखित के लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल पढ़ने के लिए आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति RTE 1986 में इसको एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था आपके विकलांग बच्चों को नियमित स्कूल पढ़ने के लिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। तो शारदा अधिनियम अंतर्गत लड़कियों की जो एज है आपके 14 वर्ष और लड़कों को जो विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से आपका 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो याद रखिएगा 14 से 18 वर्ष शारदा अधिनियम के अंतर्गत आपके लड़के और लड़कियों की न्यूनतम आयु क्रम से निर्धारित किया था 14 से 18 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जाँच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुस्लिम, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे जनहित याचिका ईस्ट द्वारा खालिस्तान में आई है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, न्याय मिलने में बढ़त, तो जनहित याचिका ईस्ट द्वारा आपके न्याय मिलने में बढ़त आई थी, तो याद रखिएगा आपका जनहित याचिका न्याय मिलने में बढ़त आई थी इनके द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, तो जीवन, न्याय, आज़ादी, समानता, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन। तो प्रदूषण रहित हवा का अधिकार आपके भारत में जीवन के मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, जीवन। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, यहाँ आपका विधिक अधिकार है, तो याद रखिए सूचना का जो अधिकार है यहाँ कौन सा अधिकार है, यहाँ एक विधिक अधिकार है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, एग्जाम पे बेस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिस हिरासत में दिए गए आपका इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है कि फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को इनमें से मौलिक अधिकार नहीं दिया गया, तो आपका पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए, संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालत में जा सकता है, तो यह आपके संवैधानिक अधिकार का उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये इसमें नागरिक लगता है राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार उल्लंघन हुआ तो आपका अदालत में जाके जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक दीवानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, तो जमीन को बेचने से संबंधित विवाद, बच्चों को रखने का दावा करना, दहेज के लिए महिला को परेशान करना या तलाक का केस फाइल करना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए, दहेज के लिए महिला को परेशान करना यह एक दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना है आपके आपके दीवानी या सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है आपका कल्याणकारी सिद्धांत, तो इसका भी ऑप्शन सही हो, जिसमें सामाजिक सुरक्षा की जो व्यवस्था विचारधारा का मूल सिद्धांत क्या है, तो कल्याणकारी सिद्धांत इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अर्थ है, विधि के किस अधिकार प्राधिकार से है, तो आपका बंदी प्रत्यक्षकरण, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण या परमादेश, तो इसका भी ऑप्शन सही हो, अधिकार पृच्छा,
अर्थ है आपका विधि के किस प्राधिकार से, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए अधिकार पिच्छा। अर्थ है आपका विधि के किस प्राधिकार से, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। एग्जाम पे बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो इसका सी ऑप्शन सही, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षा करना जो कि संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें आपके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की इसमें रक्षा करता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया गया था, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, 24 दिसंबर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने यहाँ पे पारित किया गया था, तो डेट को याद रखिएगा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद में पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यह भी इम्पोर्टेंट है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय निम्न क्या निर्णय दिया था, तो इसमें जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, तो इसका आपका डी आंसर सही हो जाए। थे आपके कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।